वीडियो। जी हाँ, आज हम एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। वो है होली स्पेशल रेसिपी, गुजियों की रेसिपी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गुजियां। तो सीखिए हमारे साथ गुजियां कैसे बनती हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए है वो है देसी घी, जो मैंने एक कौली देसी घी की ली है, एक कटोरी। उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा मैदा, यह है हमारे कोकोनट का बुरादा। आप अगर आपके पास बुरादा नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और यह है मावा, खोआ। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। फिलिंग के लिए लिए है मैंने बादाम, फ्लेवर के लिए इलायची और शक्कर। शक्कर की जगह आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर चीनी ऐड करनी है तो आप इसका पाउडर बना लें पहले चीनी का, फिर यूज़ करें, पर मैं शक्कर के साथ बनाऊंगी इसे। ये है सूजी, ये भी मैंने बाउल बराबर लिए हैं। क्वांटिटी मैंने मैदे और इसमें बराबर रखी है। और यह है काजू, किशमिश, पिस्ता। ये सारी क्वांटिटी मैं अपने रेसिपी में यूज करूंगी। मैदे की एक कटोरी मैं बड़े बाउल में डाल दूंगी इसे गूंदने के लिए। और साथ में मैं डालूंगी देसी घी के 3 चम्मच। ज़रूरत के अनुसार मैं आगे भी कुछ हल्की घी डाल सकती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, पर देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हल्के हाथों से इसे गूंथिए। गुजियों का आटा गूंथते हुए इस बात का ध्यान दें कि जो घी हमने इसमें डाला है, मोल डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम यूज करें। घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं अपने हाथ से ही पानी की कुछ बूंदे डालकर आटे को फिर से मैश करूंगी। ये इस टाइप का हमने डो रेडी करके रख लेना है। अब इसे हम रेस्ट के लिए 15-20 मिनट ढक के रख देंगे। तब तक हम उसकी गुजियों की फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी सी मैं 1 स्पून घी का इसमें ऐड कर दूंगी और उसमें ये 1 बॉइल के बराबर हमारी सूजी है, सूजी को डाल देंगे। सूजी हमारी गोल्डन रंग की हो गई है। इस टाइम हम इसे इस बड़े बाउल में सेपरेट निकाल देंगे। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा घी डालकर अपने ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने बादाम टोस्ट के लिए, काजू और थोड़े से पिस्ता, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर लिया है टोस्ट के लिए। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे टोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम सेपरेट निकाल लेंगे। इन्हें हम छोटे हिस्सों में काट लेंगे या फिर इसे आप थोड़ा सा चॉप कर लीजिए,
ताकि छोटे छोटे हिस्सों में ये बन जाए। अब हम मावे को भी रोस्ट कर लेंगे खोए को। उसी पैन में मैं इसे भी डाल दूंगी। मावे को भी हम जिसमें हमने सूजी डाली है उसी बाउल में इस ऐड कर देंगे। इससे ये फायदा है कि जब सूजी है तो इसका जो ऑयल निकल रहा है वो ऑब्जर्व कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम इसमें रख देंगे। अब हम इसी पैन में कोकोनट का बुरादा भी रोस्ट कर लेंगे। अब कोकोनट का बुरादा भी हमारा रोस्ट हो गया है तो जिस बाउल में हमने सूजी और मावा डाला हुआ था उसी में मैं इसको भी ऐड करती हूँ। जिसमें हमने सूजी मावा और कोकोनट का बुरादा डाला है इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस दौरान हमने ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे और किशमिश जो रखी है इसे हम काट लेते हैं। इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक हिस्सों में हम काट लेंगे। फीलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है और जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उस टाइम हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसे देखिए मैं बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब उसे मैं करूंगी ऐड इसमें। और ये है मेरी किशमिश, इसे भी मैं छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। ये हमारी शक्कर है, शक्कर को भी मैं ऐड करूंगी। आपने अगर चीनी ली है तो पाउडर फॉर्म में चीनी लीजिए और उसे भी बिल्कुल ठंडी हो जाए तब ऐड करें। और ये है हमारी इलायची और ये भी थोड़ी फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स। गुज्जियों की चाशनी बनाने के लिए हम इसमें पानी ले लेंगे पतीले में और उसमें ये मैंने एक कटोरी के बराबर इसमें चीनी ऐड कर दी है। इसे ऑन कर देंगे और चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर। देखो डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। हम इसे अच्छे से रेडी करते हैं। गुज्जियों के लिए आप सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें फिल करके आप गुजिया बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी जिससे गुजिया आप घर पे बना सकते हैं बिना किसी सांचे के। इसके लिए क्या करें आप कि इस तरह से एक पेड़ा ले लें और उसे बेल लें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम लंबाई में बेल लेंगे। इस तरह से हम इसकी चपाती सी बना देंगे, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बहुत ज्यादा पतली नहीं। ये लेंगे हम कटोरी, अगर छोटी साइज की कटोरी है उससे हम इसको इस तरह से गोलाई में काट लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा हिस्सा हम इससे निकाल लेंगे और ये देखिए जी हमारी गोल गुजियों के लिए बेस तैयार है। साइड में हम हल्के हाथों से पानी का टच देंगे ताकि चिपक जाएं गुजियां और इसमें बहुत ज़्यादा मसाला फिल नहीं करना, सिर्फ मैं 1 टीस्पून के बराबर मसाला फिल करूंगी और इसे इसी तरह से मैं घुमाते हुए यहाँ से बंद कर दूंगी।
ये देखिए बंद कर लूँगी। और इसमें डिज़ाइन के लिए मैं क्या करूँगी, जब मेरी गुजी इस तरह से बंद हो जाए तो मैं कांटे की सहायता से ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुजी घर पे रेडी, ना कोई सांचे की जरूरत, सिर्फ कटोरी और हमारे कांटे की सहायता से हम इतनी अच्छी गुजी घर पे बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। गुजिया हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसे फ्राई के लिए तेल में डालेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, पर अगर आप देसी घी डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी लाजवाब बनेगा। और इसे हल्की आंच में फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, पर इसे हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। अगर आप गुजियों को ऐसे ही सूखा खाना चाहते हैं फ्राई की हुई, तो इस टाइम गुजियां हमारी बिल्कुल रेडी है। पर अगर आप बाजार के स्टाइल में खाना चाहते हैं तो हम गुजियों को इस चाशनी में डिप करके फिर इसे सर्व करेंगे। तो हम एक एक करके गुजी को डिप करते जाएंगे। और इसे प्लेट पे निकालते जाएंगे। चाशनी को भी हल्का गरम रखिए। ये हम पिस्ते के साथ इसकी सजावट कर देंगे। होली स्पेशल में आपको गुजियों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक का बटन दें और मुझे सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, अलविदा इस बार के लिए, गुड बाय।